सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर ईटानगर में जो इश्यूज था, वो अभी ऑलमोस्ट हम बोल सकता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर अभी इश्यूज नहीं है। और आप लोगों का इस चैनल के माध्यम से इसी गुड न्यूज़ में ऐसे है कि जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका मुताबिक या मेरा मुताबिक से अगर लोग चलने लगेंगे, अभी भी आप लोग देखा होगा जैसे आया था, गाड़ी चलना शुरू कर दिया है। और आप लोग का इस चैनल का माध्यम से मैं लोगों को अपील कर रहा हूँ कि अभी कोई इशू नहीं है, आप लोग अपना गाड़ी को लेके सड़क पे आ सकता है। जैसे ही सड़क पे आ जाएंगे और जो कल से ऑफिस भी खुल जाएंगे, तो ऑफिस में भी लोग अपना ड्यूटी के लिए आएंगे, तो उसी हिसाब से अभी जो शिकायत था इंटरनेट का, और इंटरनेट भी ऐसे तो कल शाम तक हमारा ऑर्डर है इंटरनेट का, तो अगर नॉर्मल गाड़ी चलना शुरू करेगा, दुकान खुलना शुरू करेगा, ऑफिस चलना शुरू करेगा, तो इंटरनेट भी खुल देने का बात हो गया है। तो इंटरनेट खुलना और लोगों को सुविधा मिलना, दोनों बात इससे जुड़ा है कि आप लोग जो इस चैनल को देख रहा है, आप लोग अपना अपना घर से निकाल के सड़क पे अपना वॉकिंग हो या सब्जी लेना, अपना सामान लेना आप लोग ले सकता है। और इसके लिए एक चीज़ हमने जो सड़क पे कम आदमी जाने के लिए हमने जो रोक रखा था, 144 लगा ही रहेगा, लेकिन हम पुलिस लोगों को बोल चुका है कि वो आप लोग को जाने आने में पूछताछ ज़रूर होगा, वो अपना आइडेंटिटी बताना है, कहाँ जा रहा है बताना है, पूछताछ कहीं कहीं होगा, उसके लिए कोऑपरेट करना है। और अभी जिस प्रकार से लास्ट टाइम में हमें जो एंटी सोशल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना था, बंद कोला लोग को आइडेंटिफाई करना था, इसलिए तोरा से आप लोगों को जहाँ जहाँ जाता आता है तोरा से रेस्ट्रिक्शन हम रखा था, तो वो रेस्ट्रिक्शन हम अभी उठा दिया है, आप जा सकता है और पूछताछ जरूर होगा। अच्छा से कोऑपरेट करके पुलिस को साथ दीजिए, क्योंकि बंद कॉल जो उन लोग दिया है 72 आवर्स बोलने से तो बहुत लंबा होता है, और 3 दिन बोलने से कल शाम तक ख़त्म होता है, कल कल शाम ना, कल शाम तक। तो इसलिए आप लोगों को वन, आप लोग आना जाना, ऑफिस जाना, दुकान जाना आप लोग आराम से जा सकता है, पुलिस लोग आप लोग को कोऑपरेट करेगा, और आप भी कोऑपरेट कीजिए, इसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, हम रिपीट किया। दूसरा है, आप लोगों का बहुत शिकायत था कि इंटरनेट कॉल देना है, ऐसे तो इंटरनेट जो है कल शाम तक ही हमारा ऑर्डर है बंद करके रखा वाला, अगर सुधरता नहीं है तो बढ़ाएंगे अगर सुधरता है, जैसे आज सुधर जाता है, आज शाम को सुधर जाता है, सब लोग दुकान अपना खुल गया, कल ऑफिस अपना जाने लग गया, तो नेचुरली तुरंत ही वो खुल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और अरुणाचल का मीडिया चैनल्स आर मोस्टली डिजिटल और 90% ऑफ देम, सो विदाउट इंटरनेट हाउ आर वी गोइंग टू या एक्सेस यस 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 वी आर ऑलरेडी अबाउट दैट एंड वी हैव डिस्कस इन द हाईएस्ट लेवल आल्सो एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे रिकमेंडेड फॉर द ओपनिंग दिस जस्ट विड्रॉल ऑफ द शटडाउन ऑफ द इंटरनेट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, बट इशू इज दैट पीपल आर मिस यूजिंग द इंटरनेट, दैट वॉज द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव दैट दिस रीजन दैट दिस थ्री द रीजन वाई द इंटरनेट वॉज शट डाउन। सो होपफुली इफ द सिचुएशन इम्प्रूव्स वी मे विदड्रॉ द शट डाउन ऑर्डर एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम।
तो ऐसा है सर. देयर इज वन क्वेश्चन, द फैमिली मेंबर्स ऑफ सोल दोदुम तनातमर एंड तावपोर, हाँ जी, दे वांट टू नो देयर सेफ्टी, वेदर दे आर सेफ इन द पुलिस कस्टडी और नॉट. आप सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप कहाँ में रखा उसको आप मत बताइए, मगर उनका जो फैमिली मेंबर्स का आप एक एश्योरेंस दे दीजिए कि दे आर सेफ एंड सेफ. यस, थ्रू योर मीडिया, यू थ्रू योर चैनल, आई वुड लाइक टू एश्योर यू दैट दे आर सेफ एंड सिक्योर एंड देयर इज नो एनी इशू, एनी प्रॉब्लम. बीच में एक वीडियो वायरल भी हुआ, सो दैट वाज अ पोल्स, सो आई एश्योर यू वंस अगेन दैट दे आर सेफ. सर, इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर and from every nook and corner of capital complex, people are complaining that even single person is not being spared. Yes. Whoever goes to from the police department and police personnel, yeah, are manhandling and atrocities are going on everywhere. Even single person is also get beaten. Yes, why, yes, why, yes, this type of torture? This media briefing is because of that only. We assure you that this will be not happening. Police personnel are taking advantage of this situation. No, no, they are, no. Even torturing small. This will be not happening. I use this record, this video record. You just show to them. The district magistrate has given the instruction, given the direction that they will be allowed to move freely. Although the 144 will be there, but they will be allowed to move freely within the capital complex, and they can start the business. दे कैन गो टू द ऑफिस, दे कैन गो टू द जिम. जिम खुल गया है, एक दो जिम अभी खुलने के लिए बोला है, खुल गया है. और जिम में जाइए अभी, क्योंकि शाम का समय हो गया ना, दुकान अभी तो दुकान खुलने से भी टाइम नहीं है, कल से खुलेगा होगा. तो आई हैव टॉक टू द मार्केट कमिटी, पर्टिकुलरली द ईटानगर मार्केट कमिटी एंड द चिंपू मार्केट कमिटी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी. सो दुकान भी कल से खुल जाएंगे, तो अभी आप घूम सकते हैं. और पुलिस का साथ हम लोग मीटिंग बैठा अभी आप लोग का सामने में, एसपी का साथ, एडिशनल एसपी का साथ हमने मीटिंग बैठा, ब्रीफिंग किया कि वो अभी आप लोगों को हरासमेंट नहीं देंगे. अगर दिया था तो अभी नहीं देंगे, आप लोग आराम से, क्योंकि इसलिए आप लोग का ये मीडिया का साथ में हम जो बातचीत कर रहे हैं, यही चीज़ को बताने के लिए कि आगे में थोड़ा से रेस्ट्रिक्शन था. हमें वो एंटी सोशल एलिमेंट को पकड़ना था, बन कोलर को पकड़ना था, तो किसी इनोसेंट को, क्योंकि 4 लाख पॉपुलेशन में मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा से आप लोग तकलीफ मिला, आप लोग कोऑपरेट किया और बन कोल को कुछ करप घटना होने नहीं दिया, सक्सेसफुल से वो चला गया. मेरा कल ही सक्सेस हो गया, हम लोग बन कोल में कोई हानि पहुंचाने नहीं दिया. और आप लोग चैनल का माध्यम से मैं आप लोगों को ही तारीफ करूँगा और सरकार की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि शुरू से स्टार्टिंग से आप लोग साथ में रहा और हमारा जो इंस्ट्रक्शन है आप लोग प्रॉपरली पास कर दिया, इसलिए पब्लिक भी कोऑपरेट किया. सर, इन योर स्टेटमेंट यू बीन रिपीटेडली यूजिंग द प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, अज्योरेंस एंड होपफुली, सो वी आर बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. कैन यू क्लियरली स्टेट दैट विल देयर बी बन कॉल फर्दर, बिकॉज समहाउ पीपल आर ऑल्सो स्केयर्ड टू मूव आउट ऑफ देयर हाउस. They've been calling up frequently regarding like 144 CRPC ki nikal sakta hai na nahi, because they are more scared of the police person. Any event in the future is a probability zone. Lekin at present, hum yehi bol sakta hai ki we are at the last stage of the 144 CRPC which has been promulgated. क्योंकि लोगों का अभी यहाँ जो है कोई इश्यूज नहीं है, पत्थर फेंकने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, या दुकान को फोर्सफुली बंद करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, टायर जलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो बन कॉल एंधी हो गया. देन 144 का अभी हमको लिटरली इसको इम्प्लीमेंट करने का इतना नौबत नहीं है, लेकिन वो डोरमेंट में रहेगा. जरूरी होने से कहीं वो गैदरिंग करके कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने करता है तो वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा. लेकिन नॉर्मल केस में हम लोग पुलिस को यही ब्रीफिंग दिया गया, पुलिस का हायर अप्स भी ब्रीफिंग दिया गया कि अभी पब्लिक को एलो करना है, लेकिन जो कुछ कुछ चेकिंग, नॉर्मल चेकिंग वगैरह होगा, अब थोड़ा से कोऑपरेट करना है. अभी जिस दिन से शिकायत पब्लिक से है वो शिकायत नहीं होगा. प्रपोज किया था
और वो लोग का मेन रीजन, वन ऑफ द मेन डिमांड्स वर सीबीआई एंड ईडी का जो एडीपीएस पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी चाहिए था, तो आफ्टर दिस वन कॉल वी सी मोर ट्रांसपेरेंसी. आप सीबीआई ईडी को आप लोगों ने नहीं, इसको लेके काफी हमने चर्चा किया है, क्योंकि ईडी और सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट का परव्यू में नहीं आता है, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परव्यू में आता है. तो डिस्पाइट ऑफ दैट हमने स्टार्टिंग से जो बन कॉलर्स लोग को रिक्वेस्ट किया, मीडिया भी भेजा, मिडिल पर्सन भी भेजा है कि आप बातचीत के लिए आओ, हम सरकार को बात करेगा. अगर कुछ चीज़ ऐसे है कि जो प्रॉब्लम हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है सॉल्व कर सकता है तो हम पूछेंगे, क्योंकि हमारा जो जितना नॉलेज है ईडी हो या सीबीआई हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टी में है. तो एज अ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये इशू को लेके बंद कॉल वो लोग प्रपोज कर रहे थे, एज अ स्टेट गवर्नमेंट आप लोग कुछ स्टेप्स या सीबीआई ईडी को सोच? नहीं नहीं, यहाँ जो है अभी देखिए, देयर इज नो इशू. उन लोग जो इश्यूज बना रहा है, देयर इज नो इशू. सर एक क्वेश्चन है, आज जैसे कि होम मिनिस्टर ने आज का फर्स्ट फेज ऑफ मीटिंग को चेयर किया है, होम मिनिस्टर तो पूरा स्टेट लेवल का एक है, तो आज का जो मीटिंग है आज किया, सिर्फ आईसीआर को लेके बात हुआ या भी अभी तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है? देखिए क्यों, तो इसको लेकर हमें आप बता सकेंगे आज की मीटिंग? नहीं, बातचीत तो उन लोग तो स्टेट को लेके भी बात हो रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ में अपना कैपिटल का ही बात करना है. तो सर, मतलब कल जो 34 को अरेस्ट किया था उसको किस तरीके से कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि अभी बन कॉल भी ऑफ ही हो गया जैसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट? जी, बन कॉल तो अभी है ही नहीं है, क्योंकि कल से आप लोग देख रहा है कोई बन कॉलर लोग सामने आया ही नहीं, तो बन कॉल होगा होने का बातें नहीं है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है. तो जहाँ तक अरेस्ट किया है, उन लोगों ने जो अनलॉफुल एक्ट में जो प्रोविजंस को उन लोगों ने उसको ये किया है, ऑफेंस कमिट किया है, इसलिए उनका तो जो अनलॉफुल एक्ट में जो प्रोविजंस है उसका ऊपर में उन लोगों के ऊपर में एक्शन होगा. सर इंटरनेट के, क्योंकि अभी आपने ऑलरेडी बता तो दिया है सर, अगर आज का दिन भी ठीक ठाक रहता है तो कल के दिन हाँ जल्दी हो जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज़ है, इंटरनेट पहुँचने के लिए सर इंटरनेट चाहिए, क्योंकि सभी लोग डिजिटल. नहीं नहीं, आपने जो बात किया, मेम्बर्स लोग भी यही बात किया, और सभी लोग जल्दी खुलना चाहता है. इसको स्पेसिफिक टाइम तो कल शाम तक तो ऑर्डर वहाँ तक वैलिड है, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है, तो इसलिए हमने आज मार्केट कमेटी को भी मेंबर्स को भी बुलाया कि आप लोग शाम तक भी दुकान खोल दो, ताकि ये करने के लिए. और जो भी यहाँ में इलेक्टेड लीडर्स लोग हैं उनको भी बात कर चुका है कि गाड़ी जो है चलना शुरू कर दो, जैसे नॉर्मल गाड़ी अभी भी गाड़ी शुरू कर दिया होगा, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जिस दिन से हम लोग बात हो गया गाड़ी को भी चलने के लिए बोल दिया, तो गाड़ी अभी चलना शुरू करेगा और ये दुकान भी खुलना शुरू कर देगा, तो हम लोग साथ साथ में इंटरनेट को खुलने के लिए भी बोल देगा. देर इज नो स्टैंडर्ड पीपल, बट वी हैव गिवन अरेंजमेंट फॉर देम ऑल्सो, व्हीकल बस का अरेंजमेंट है, पुलिस का अरेंजमेंट है, और उसके लिए एक नोडल ऑफिसर ईएसी को हम लोग अपॉइंट किया है, और वो देख रहा है, और पुलिस और हमारा ईएसी मिलके देख रहा है, वो कोई इशू नहीं. डिड यू गॉट एनी रिकॉर्ड हाउ मेनी टोटल डिटेन्ड पीपल, बिकॉज़ टुडे आल्सो मेनी पीपल वर डिटेन्ड बाय द पुलिस एंड डिपार्टमेंट, सो हाउ मेनी टोटल नंबर डिड यू गॉट एनी रिकॉर्ड फ्रॉम? देखो जो जो अनलॉफुल एक्ट के अंदर में जिसको डिटेन हुआ है, हाँ उसके अलावा जिसको भी डिटेन हुआ है वो तो उन लोग रेगुलर ऑफेंस कमिट किया है, उसका तो बहुत से नंबर होगा, इसको हमने रखा है. सर इनकेस जो अभी हम लोग बन कॉल को ऑफ करा है, तो अगर जो बन कॉलर लोग निकाल के दुकान लोग को तोड़ फोड़ या फिर गाड़ी को तोड़ता है, तो आप लोग का तरफ से कुछ रहेगा? देखो ये बन कॉलर लोग अगर तोड़ना था तो कल भी तोड़ना था, आज भी तोड़ना था, तो इसलिए वन कॉलर उसको जो भी कुछ होता है नॉर्मल एंड रेगुलर ऑफेंस ही होगा, उसको उसी में ड्रॉ करेगा, और साथ साथ में अनलॉफुल एक्ट भी ड्रॉ हो जाएगा.